आपका? गजेंद्र सोनी। कहाँ से? पाली से। आप पाली से आए हैं, मरुश्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या बेसिक तैयारी की इसके? पर्टिकुलर जो यहाँ जो जैसलमेर की परंपरा के अनुसार जो गेटअप लेना होता है, जहाँ या धोती और टेपटा होता है, उसकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, ट्रेडिशनल वियर पूरा अरेंजमेंट करके उसको पहना है, वियर किया है, और काफ़ी एक साल से मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे तक बताएं क्या क्या आपने श्रृंगार करवाए इसके लिए, बेसिकली दाढ़ी से, दाढ़ी को भी इंक्लूड करते हैं जी। इसमें सबसे पहले तो अपन ये साफा देखते हैं, तो जैसलमेरी साफा होता है, ये गोल साफा पगड़ी होती है, इसमें हमने ये साफा करवाया। फिर उसके साफा की ज्वेलरी, उसके बाद में ज्वेलरी, ज्वेलरी में एक लॉन्ग हार होता है और ये छोटे हार हंसली होती है, और उसी के साथ ये जो धोती कुर्ता और आपके ये कड़े वगैरह, ऐसी कई जो ज्वेलरी है, जूती है, जैसलमेरी जूती है, उन सभी को अरेंज करके फिर हमने पार्टिसिपेट किया। नाम बताएं अपना? डॉक्टर ईशा खान। ईशा खान जी, आपने मरुश्री में पार्टिसिपेट करना है, भिलोड़े से है, क्या क्या तैयारियाँ की? तैयारियाँ तो देखो साल भर करनी होती है, जब अपनी बात आ जाती है कला संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति, तो इसके लिए साल भर तैयारी करते हैं और यहाँ आते हैं। जीतना हारना एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगता है। जो भी लोग जो संस्कृति को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ यहाँ मिलजुल कर मेले में भाग लेते हैं। जैसे मैं रहना है संस्कृति के साथ में देखना, बेसिकली क्या काम किया आपने और वेशभूषा पर? देखो जो अपनी राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड जो भी आभूषण होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है और दूसरों के भी साथ सहयोग के साथ काम करना पड़ता है, एक अच्छा लगता है। पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। नाम बताएं अपना? नाम खेत सिंह राजपुरा जैन पटाखट से। अपने मरुश्री के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी जी, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहा हूँ। क्या क्या तैयारियाँ की, कैसे? एक महीने से कर रहा हूँ। किस किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया? हर चीज़ पे दिया ज़्यादा, जैसे कि मरुश्री के लिए दाढ़ी पे, तो मैं तो दाढ़ी पे, बाकी तो सब बैठे में। और ये जो ज्वेलरी पूरी चांदी की मेरे, बाकी एक महीने से अच्छी तैयारी। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे जाके? देखो यहाँ का माहौल देख के, यहाँ पे अब दूसरे पार्टिसिपेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है।